भागलपुर जिले के नौगछिया अंतर्गत खरीक प्रखंड में दो ऐसे गांव हैं जहां आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आने जाने के लिए ना सड़क है और ना ही पुलिया। ग्रामीण नाव के सहारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह गांव है नौगछिया अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला सिंहकुंड और लोकमानपुर। यह दो गांव कोसी नदी के सैलाब का दंश झेलता है। दोनों गांव चारों तरफ से कोसी नदी से घिरा हुआ है और दोनों गांव एक टापू की तरह नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। दोनों गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर और अनुमंडल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खुद के बनाए जुगाड़ ही काम आते हैं। सैलाब में यहां आने जाने वाले लोगों के लिए नाव का सफर ही एकमात्र विकल्प है। इन दोनों गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है। यदि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए या किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो वो व्यक्ति भगवान के भरोसे ही रहता है। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण गांव के बच्चे चाहकर भी उच्च शिक्षा से वंचित है। यहां पर एकमात्र प्राथमिक स्कूल है जहां पढ़ाने के लिए शिक्षक बबीता देवी प्रतिदिन 6 किलोमीटर पैदल चलकर फिर नाव के सहारे स्कूल पहुँचती है। बबीता देवी बताती है कि वो पिछले 13 वर्षों से सिंहकुंड गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर में प्रतिनियुक्त है। वो पिछले 13 वर्ष से लगातार इसी तरह से नाव पर सवार होकर बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाती है। शिक्षिका बबीता देवी बताती है कि पिछले 13 वर्षों से यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब स्कूल ज्वाइन किया था तब भी नाव के सहारे ही जाना पड़ता था और आज भी नाव के सहारे ही जाना पड़ता है। आप लोग का आना जाना होता है? हम लोग को आना जाना अपना खरीक से निकलते हैं तो बाइक से आते हैं घाट, घाट से नाव पार करके तो स्कूल वाले दो स्कूल जाते हैं, दो कोस तीन कोस। किस स्कूल में? किस स्कूल? आजाद नगर से। कितने वर्षों से आ रही हैं? 13 वर्ष। इसमें क्या बदलाव देखा? क्या बदलाव देखेंगे, कुछ नहीं बदला हुआ है अभी। इधर उसी तरीके से जाते हैं? उसी तरीके से। वो गांव कैसे बसा हुआ है? कैसे बसा हुआ, इधर कट्टी होता है, गांव के लोग किसी तरह अपना गुजर बसर खेती गृहस्थी लेकर के यहाँ काम बाहर करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा मैडम, कभी बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं तो कैसे उसको इधर लाते होंगे? नाव द्वारा। दूसरा कोई अच्छा? दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मान लीजिए कि उस समय नाव उस पार में नहीं है तो फिर क्या होगा? अब जैसे वो अब संभाले उसका परिवार। समस्या वही होता है? वही होता है। अच्छा, और कितनी दूरी आप पैदल तय करते हैं रोज? बोले तो तीन कोस, दो अढ़ाई को, अढ़ाई तीन कोस बोलते हैं। बालू पर चलना होता है? 3 किलोमीटर। बालू पर नहीं चलते हैं, ये तो बालू है। पूरा बालू पर चलना होता है। गांव पूरा चारों नदी के बीच में है। चारों तरफ क्या है? चारों बगल कोसी है, नदी है, अब बीच में गांव है। बीच में गांव है। मेरा नाम राजकुमार है, मेरा घर सिंहकुंड है। और हम सब देखते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता आता है, वोट मांग के चला जाता है और बहुत तरह का वादा भी करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और हम तो ये भी सुने हैं कि मतलब सिंहकुंड और ढोरिया का पुल भी पास हो गया, लेकिन पुल पास जो कर दिया सरकार ने, पुल गया कहाँ? पुल तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो हम नाव से टप रहे हैं। कितने वर्षों से ऐसे टपते हैं? हम सब तो जन्म जब से होश संभाले हैं तो नावे से टप रहे हैं। अच्छा, कैसे वो गाँव कैसे बसा हुआ है? गाँव से ऐसे मतलब हम सब जब से पैदा हुए हैं, हम सब 3-4 बार तो मेरा घर कट गया। घर पहले हम लोगों का यहाँ पे था, कभी इस पार में रहते हैं। गांव के चारों तरफ क्या है? गांव के चारों तरफ नदी है, बीच में हम सब हैं। अच्छा, टाइप का। हाँ, बीच में चारों तरफ नदी है। अच्छा, कभी इमरजेंसी पड़ जाए या फिर किसी को कॉलेज जाना होता हो तो कैसे वहाँ से पढ़ाई कैसे होती है, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो पढ़ने लिखने का तो कोई यहाँ भौजे नहीं है, छोटा मोटा स्कूल है और यहाँ से पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाता है। ज्यादातर मेरे गाँव में अनपढ़ ही लोग रहते हैं, पढ़ने लिखने का कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से आप लोग आते हैं और कैसे आना जाना होता है? हम लोग लोकमानपुर से आते हैं, जो दिख रहा है ना गांव नदी के बगल में, वहाँ से आते हैं। और पानी इसका मुख्य कारण है जो हम लोगों को दिक्कत देता है। क्या परेशानी होती है? परेशानी यही होता है कि हम लोग डेली आते हैं और जाते हैं तो इसकी समस्या होती है कि ना मतलब पानी बढ़ जाता है तो ना कभी वहाँ कभी यहाँ टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। यही समस्या से। कहाँ जाते हैं आप लोग? पढ़ाने जाते हैं। कितने वर्षों से ऐसे सफर कर रहे हैं? जन्म से कर रहे हैं। फिर भी कितने वर्ष? लगभग 28-27 वर्ष। क्या लगता है इसका समाधान होना चाहिए? समाधान होना चाहिए, ऐसी समस्या रही तो कैसे होगा? कौन पढ़ाने में फिर
बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी? हाँ जरूर होती है। परिचय क्या हुआ आपका? बबलू शर्मा, ग्राम पोस्ट लुकमानपुर। कहाँ से आप लोग आते जाते हैं और कैसे आना जाना होता है? वही से जाते हैं। कौन सब गांव बसा हुआ है उधर? शेखपुर है, लुकमानपुर है, जिलेबिया मोड़ है। कितने वर्षों से ऐसे सफर कर रहे हैं? अरे बहुत दिन से शेखपुर है, जब से जलम हुआ है। जलम हुआ है 1978 को। अच्छा, उधर कोई इमरजेंसी पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे हम लोग लाए? बस वही पार में रह जाएगा। उस पार में ना से आना जाना होता है। रिजलावे से रात को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। पुला है इसमें कि टप जाएगा? कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं। क्या नाम सारा है बोलो ना? उसका फेकर लीला से आते जाते। क्या क्या नाम हुआ आपका? यहाँ लगातार कोसी कटाव करते हैं। गांव के लोग किसी तरह से खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पानी से घिरे होने के कारण पंचायत में रिश्ता करने से भी लोग कतराते हैं। कोसी नदी पर पुल बनने के बाद लोकमानपुर पंचायत विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। ग्रामीणों को घंटों नाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, गांव के लोग उच्च शिक्षा भी हासिल करेंगे। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण गांव की बेटियां चाहकर भी उच्च शिक्षा से वंचित थी। अब पुल निर्माण के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए नौगछिया, भागलपुर आसानी से आ जा सकेंगी। चारों ओर पानी से घिरे रहने के कारण पंचायत के कई युवक और युवतियों की शादी नहीं हो पाई। लोग यहां रिश्ता करने से कतराते हैं। अब यह समस्या भी दूर होगी। इन दो गांव में जाने के लिए राज्य पुल निर्माण निगम लोकमानपुर गांव से विजय घाट तक 44.47 करोड़ की लागत से 456 मीटर लंबा पुल बनवा रहा है, जो पिछले 5 वर्षों से अधर में लटका है। यदि इस पुल का निर्माण हो जाता तो यहां बसे 25,000 की आबादी वाले दो गांव का सीधा संपर्क जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालय से हो जाएगा। लोकमानपुर जो गांव है वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो कोसी नदी के एक तरह से, जब बारिश बढ़ जाती है, जब ये सीजन आ जाता है फ्लड का, तो वो चारों तरफ पानी से गिर जाता है। उसमें राज्य सरकार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से उसमें पुल का भी निर्माण हो रहा है और अप्रोच रोड का भी जो है पुल निर्माण निगम निर्माण कार्य कर रहा है। और वो कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है, बारिश के कारण थोड़ा सा स्लो हुआ है। उसमें जो भूअर्जन का काम है उसका निरीक्षण भी मेरे द्वारा कुछ महीने पहले किया गया था। उसमें हम लोगों को अभी हम लोगों ने रेट डिसाइड कर दिया है और अभी हम लोग जल्दी ही अगले 10 से 15 दिन में सबको नोटिस देंगे। उसमें राशि भी भूअर्जन पदाधिकारी को मिल गई है और कैंप लगा करके हम लोग जो भी रैयत है उसमें संभवतः मेरी मुझे जो ध्यान में आ रहा है 2 गाँव की जमीन जा रही है उसका हम लोग पेमेंट भी इंश्योर कराएंगे। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल के अंत तक उस गाँव को जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी, कोसी पर एक और पुल जो है वो बन जाएगा और पुल निर्माण निगम के द्वारा ससमय इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून, लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। शहर में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत तिलकामांझी चौक पर ई रिक्शा चालकों के लिए पिकअप व ड्रॉप प्वाइंट बनाया गया है। वहीं सिग्नल लाइट के बगल में ई रिक्शा के परिचालन के लिए बाईपास सड़क बनाई गई है जो रेड लाइट के बगल से गुजरेगी। अक्सर ई रिक्शा बीच सड़क पर ही सवारी को उतारने और चढ़ाने का काम करते थे जिसको लेकर अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। वहीं समस्या को दूर करने के लिए तिलकामांझी में इसकी शुरुआत की गई है और शहर की कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था करने का प्लान बनाया गया है। वहीं अभी 7 दिनों तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी।
डाइवर्जन हम लोगों ने प्लान किया है। तो चूँकि एक जगह सब जगह शुरुआत करने में कुछ समस्याएँ हैं, हम लोग इसको ट्रायल मोड पे देख रहे हैं 7 दिनों में कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद हम लोग जो बाकी ड्रॉप पॉइंट डिसाइड किया गया आज चिल्का माझी में चेक किया जाए, चिल्का माझी में अभी हम लोग 1 वीक तक देखेंगे, उसके बाद बाकी और कहाँ कहाँ कर। इसके अलावा जो स्टेशन है या फिर मनाली चौक है, इसके अलावा अश्वरोही है, तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया 4-5 ड्रॉप पॉइंट, नाथनगर में 1-2 पॉइंट, वहाँ पर सारे जगह पर 7 दिनों के बाद इससे ट्रैफिक का लोड कम, हाँ थोड़ा सा डाइवर्ट होगा तो ड्रॉप पॉइंट भी रहेगा, लोग यहाँ पर जिनको चढ़ना उतरना है यहाँ पर उतर सकते हैं, उसको बीच रोड में चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा तो ट्रैफिक। जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में एबीसी हॉस्पिटल बंसी टीकर की मदद से रविवार 23 तारीख को बच्चों के जन्मजात हृदय रोग की पहचान एवं निदान हेतु मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बच्चों के विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ चट्टोपाध्याय ने अपनी टीम के साथ बच्चों का खुद परीक्षण किया। सारे बच्चों का मुफ्त इको कार्डियोग्राफी करके उनके हृदय के विकार की तीव्रता को देखा। इस कैंप का उद्घाटन जे LNMCH के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर के सिन्हा, डॉक्टर विनय कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजीव सिन्हा, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अमिताभ चट्टोपाध्याय एवं डॉक्टर ऋषिका ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि हृदय में छेद एवं विकार कई प्रकार के होते हैं, कुछ में अवांछित छेद होते हैं, कुछ में वाल्व का सिकुड़न होता है, कुछ में कनेक्शन उल्टा पुल्टा रहता है, छेद में ASDVSD एवं PDA प्रमुख होता है, इनमें से कुछ छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाता है लेकिन कुछ बंद नहीं भी हो सकते, ऐसी कुछ संभावना बनी रहती है, और जो छेद बंद नहीं होता उसमें रक्त का बहाव उल्टा हो सकता है जिसके चलते वो ऑपरेशन के लायक भी नहीं बचता है, अतः इसके लिए जरूरी है कि बीच बीच में जांच कराया जाए कि छेद बंद हो रहा है या नहीं, उसको देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी समस्याएं रहती है जिसमें कनेक्शन उल्टा पुल्टा रहता है या वॉल्व बंद रहता है, ऑपरेशन जितना शीघ्र कराया जाए उतना ही आसान होता है और बच्चे की बचने की संभावना बनी रहती है। कोलकाता से आए चिकित्सक ऐसे बच्चों को विस्तार से उनकी बीमारियों के बारे में समझाएं। जैसा कि सभी को जानकारी है कि छिद्र बंद रहने में ऑपरेशन के दौरान बंद करने में प्राइवेट अस्पताल में काफी पैसे लगते हैं जो सबों के लिए संभव नहीं है, और सरकारी स्थान में लंबा लाइन लगा रहता है। ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य राहत कोष के द्वारा ऑपरेशन के लिए पैसे मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन आम जनमानस गांव घर के लोग उस पैसे को प्राय नहीं ले पाते। ऐसे बच्चों के लिए जीवन जागृति सोसाइटी उनके फाइल के पीछे समय देती है और उनकी उचित प्रक्रिया लोगों को बताती है ताकि उनको राशि मिल सके जिससे वो कहीं भी सरकारी अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन करा सके। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ ने बताया कि आज कुल 85 बच्चों का परीक्षण हुआ है जिसमें 23 में हृदय की बीमारी पाई गई, 34 बच्चों को जल्द ही ऑपरेशन की जरूरत है जबकि 10 को जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है, बाकी बच्चों को बीच बीच में जांच कर उस पर नजर रखना है क्योंकि उनके हृदय का छिद्र स्वतः बंद भी हो सकता है, लेकिन 3 साल में बंद नहीं होने पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर सिंह ने आगे बताया कि विगत 4 साल पहले इसी तरह का कैंप संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें 36 बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन कराया गया था और सारे बच्चे ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हैं। आज के मेगा हृदय कैंप में संयोजक संस्था के कोषाध्यक्ष राकेश कुमार रजक एवं उपाध्यक्ष संबित कुमार है। इस अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय मिश्रा, सोमेश यादव, रूपा शाह, अरुणिमा सिंह, भवेश, श्यामल सिंह, मृत्युंजय, रीसु, अखिलेश ने इस कार्य में मदद की। अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जीवन जागृति सोसाइटी एवं ABC के डायरेक्टर डॉक्टर परसून एवं डॉक्टर सतेंद्र को अस्पताल की सुविधा देने एवं मैनेजर राहुल कुमार एवं अस्पताल के सभी कर्मचारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। मालूम है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता और जीवन जागृति के सौजन्य से ABC अस्पताल जो बंसी ठीकर में है इनके भी सहयोग से हम लोग ने एक मेगा हेयर हार्ट कैंप का आयोजन किया है जिसमें जन्मजात शिशु हृदय रोग के बारे में जो जानकारी है लोगों को दिया जाएगा, उनका जांच किया जाए, इको किया जाएगा, सारा मुफ्त में होगा और ये जीवन जागृति सोसाइटी फिर इनको कोशिश करेगी कि सरकार के द्वारा जो प्रदत्त राशि है बिहार सरकार देती है या कहीं आसमान के द्वारा होता है, इनको हम लोग गाइड करें कि किस तरह से उस पैसे को लेकर जो गरीब आदमी है वो ऑपरेशन करा सके। इसी कड़ी में आज ये मेगा हेयर कैंप का आयोजन हुआ है जिसमें हमारे नारायणा सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल डॉक्टर अमिताभ चट्टोपाध्याय, उनकी बच्ची डॉक्टर ऋषिका और के सिन्हा HOD पेडिट्रिक्स, डॉक्टर विनय कृष्ण सिंह और डॉक्टर राजीव सिन्हा आए थे और हमारे टीम जो जीवन जागृति सोसाइटी की है जिसमें राकेश माही ने बहुत मेहनत किया है लगातार, संबित कुमार जी हैं
और अन्य संस्था के लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और करीब 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इसमें जैसा कि बताया है कि कुछ हृदय रोग हो सकता है कि स्वतः बंद हो जाए, कुछ नहीं बंद होंगे, जो बंद नहीं होंगे उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसको बीच बीच में इन लोगों को दिखाते रहना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाने से इनऑपरेटिव हो जाता है, जो ऑपरेशन हो सकता था वो भी नहीं हो पाएगा। तो और कुछ ऐसा है जैसे साइनेटिक हड्डी कहलाता है, जिसमें कनेक्शन उल्टा पुल्टा रहता है, उस तरह का कई बीमारियां होती है जिसको जल्दी ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। ये सारे बातों की जानकारी हम इन सारे अभिभावकों को देंगे और ये भी कोशिश रहेगी कि इनका मुफ्त में इलाज हो जाए, लगभग मुफ्त में। और इसी कार्यक्रम में हम लोग लगातार अभी से जुड़े रहेंगे जब तक इनका इनके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, इनके बच्चे के खिलखिलाते नहीं रहे, तब तक हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं के साथ सारे अभिभावक जो जुड़े हैं, यहाँ आए हैं, उनको शुभकामना कि आपके बच्चे स्वस्थ हों और आगे बढ़ें, पढ़े लिखे और खेले कूदे। थैंक यू सर। आज का हृदय रोग को लेकर कार्यक्रम हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने सारे बच्चे को यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, उम्मीद है कि और भी बच्चे आएंगे, उनका हृदय का जांच करके उसका जो भी इलाज है हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसका इलाज का पूरा पूरे के पूरा बंदोबस्त करना, ताकि वो लोग हस्पुक लौट जाए। बस किस किस तरह की बीमारियाँ आती हैं, जैसे पैदाइशी बीमारी रहते हैं, पैदाइशी कुछ बीमारी रहते हैं और उसके साथ साथ कुछ बीमारी रहते हैं जो आगे चल के भी आ सकते हैं, सारे के सारे बीमारी जो रहते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह, कुछ हार्ट का ट्यूमर वगैरह, हार्ट का वाल्व का प्रॉब्लम वगैरह, वो सारे के सारे इलाज हो सकते हैं। और उम्मीद मत करिए, आप लोगों से ये विनती है कि उम्मीद मत करिए, इसका इलाज हो सकते हैं, ऐसे कोई लाइलाज बीमारी सिर्फ एक या दो होते हैं, लेकिन उम्मीद मत हारिए। आपका उम्मीद जुटाने के लिए जैसे जीवन जागृति सोसाइटी प्लस हमारे अस्पताल नारायणनाथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो भी है, हम लोग कोशिश करें ताकि आपके बच्चे का पूरा की पूरा इलाज हो। क्या लक्षण आता है जो पता चलता है, क्योंकि बहुत से जैसे अगर बच्चों की नवजात शिशु में जैसे बच्चे ठीक तरह से दूध नहीं पीता है, बच्चे दूध पीते पीते थक जाता है, ज़्यादा पसीना होता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, रोते रोते नीलापन हो जाता है, ये बच्चों को अरीगरी सर्दी खांसी लगता है, तो मम्मी पापा तुरंत आपके बच्चे के डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं, उसे वहाँ से हम लोगों के पास आता है कि एक बार हार्ट चेकअप करने के लिए। हार्ट चेकअप हेतु हमारे पास जो जो बच्चे होते हैं हम लोग पूरे के पूरे जांच करते हैं, अगर कुछ निकले तो तुरंत हम लोग इलाज में जुड़ जाते हैं। मैं डॉक्टर अमिताभ और आप हैं डॉक्टर ऋषिका मेहता। कितने साल तक के बच्चों में ऐसे लक्षण देखे? तो बच्चों को पैदाइशी मतलब एक दिन का बच्चों से लेकर के 18 साल, इनफैक्ट बड़े लोग भी ऐसे रहते हैं जिनको जन्मजात हार्ट की समस्या रहती है जो शुरू में पकड़ में नहीं आती, तो हम उससे लेकर जो भी जन्मजात बीमारी रहती है, छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट तक जिनको होल रहते हैं या जन्मजात हृदय रोग रहते हैं उनका इलाज। इस तरह के कैंप से क्या जागरूकता फैलेगी अभी समाज में बीमारी? डेफिनेटली इस तरह का जो इनिशिएटिव डॉक्टर अजय सिंह लेते हैं उस टाइप से, जिन बच्चों के पास ऐसी जिन माँ बाप के पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती जो बच्चों का इलाज करा सके, उनको ये माध्यम मिल जाता है कि वो अपने बच्चों का इलाज करा पाए। किस लिए बच्चे का हार्ट में प्रॉब्लम? कैसे जानकारी मिला था? कैसे जानकारी मिला था? क्या हुआ बच्चा को? क्या नाम हुआ आपका? भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा द्वारा वार्ड नंबर 48 अंतर्गत लीची बागान इसाकचक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना द्वारा निर्मित सड़क एवं नाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वार्ड 48 के दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह कार्य मुकेश सिंह के घर से लेकर सिकंदर राय के घर तक सड़क व नाला का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत 10,48,000 रुपए की है। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि ऐसे कई कार्य आगे भी निरंतर होते रहेंगे। वहीं वार्ड नंबर 48 के लोग सड़क व नाला के निर्माण से काफी दिखे। तक में लीची बगान में ये सड़क नाले का निर्माण हुआ है 10,48,000 का, क्योंकि बड़ा ही उपेक्षित रहता है ये मोहल्ला, बहुत दूर है शहर से, इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों ने यहाँ की जो जनता है सभी भाई बहनों ने लिख के दिया और ये बना है और काम हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ढंग से बना है। इसी तरह हम आग्रह करेंगे पूरे शहर में जहाँ भी काम हो क्वालिटी काम कीजिए और जैसा काम हुआ वैसे किया कीजिए। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भागलपुर इकाई के बैनर तले भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड योगा केंद्र पर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर जिला इकाई के लगभग सभी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मौजूद रहे। इस बैठक में वेतन विसंगति सहित केस तथा अन्य कई मुद्दों पर बातचीत हुई।
शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य निदेशक भागलपुर इकाई के अध्यक्ष अभय कुमार मिश्र ने बताया कि हम लोग सरकार से आग्रह विनती करके थक चुके हैं, अब आंदोलन करने की सोच रहे हैं। हमारी मांगों में मुख्य मांग वेतन विसंगति को लेकर है। आगामी 25 तारीख को सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच वार्ता होने वाली है। उस वार्ता में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। हम लोगों की वेतन विसंगति को लेकर बिहार के कई माननीय नेतागण ने अपने लेटर पैड पर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को भेजा है, लेकिन के ऊपर कोई भी सुनवाई होता नहीं दिख रहा। अब हम लोग मजबूर होते दिख रहे हैं कि हम लोगों को भी पटना की सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमें भी सरकार के उस दंश को झेलना पड़ेगा जो हमारे शिक्षक भाई बहन झेल रहे हैं। हमें सरकार से इतना कहना है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक को पूर्णकालीन कर दिया जाए और पुराने फिजिकल टीचर के समान वेतन कर दिया जाए, क्योंकि 8,000 में ना तो हमारा पेट भरेगा ना ही हमारे परिवार का। यदि हम लोगों की वेतन विसंगति पर कोई काम नहीं होता तो हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। कब तक उतरना पड़ेगा आप लोगों को, क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों नहीं मिल रहा है? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं कर देते सरकार तब तक तो उतरना ही पड़ेगा ना। 8,000 में किस तरह से घर चला रहे हैं? क्या होता है सर, हम लोग का एक मजदूर लेवल का मजदूर कैटेगरी के हिसाब से हम लोग को देखा गया। हम लोगों की ये बैठक है, ये सरकार से एक अब आंदोलन का हमारा जो है मूड बनता जा रहा है, क्योंकि आग्रह विनती कर करके हम लोग अब थक गए हैं। लगभग एक साल हो गया है और हमारी मांग को सरकार अनसुना कर रही है, एक बार भी देखने या सुनने को तैयार नहीं है। आज सरकार हर एक तरीके का प्रोग्राम चला रही है, लेकिन फिर भी हर शिक्षक के साथ बैठक करने जा रही है। 25 को अनुमानित है कि पटना में सभी शिक्षक संघ का बैठक होगा, उस बैठक में हमें शामिल किया जाए। एक तो सबसे प्रथम आज हमारी मांग ये है कि जो पटना में सभी शिक्षक संघ की बैठक होनी है उस बैठक में हमें शामिल किया जाए, और हमारा जो निरंतर पिछले आज एक वर्षों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी वेतन विसंगति को लेकर के, जिसे सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों डाक कांवरिया एवं कांवरिया अजगैवीनाथ धाम से पैदल व वाहन से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं झारखंड धनबाद के डाक कांवरिया हरनाथ ओझा ने बताया कि 1997 से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को अजगैवीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम देवघर जल चढ़ाने जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए अजगैवीनाथ धाम से वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा, वैद्यनाथ धाम में अजगैवीनाथ धाम से गंगा जल लेकर चढ़ाते हैं। उनके साथ मधुबनी जिले के रहने वाले धीरज झा भी डाक कांवर यात्रा में शामिल हैं और कहा कि कोरोना में बाबा भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा पाए थे, लेकिन शिवरात्रि में अजगैवीनाथ धाम से गंगा जल लेकर पैदल वैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण किए हैं। साथ ही यूपी बंगाल नेपाल के कांवरिया ने बताया कि मलमास सावन हम सबों के लिए शुभ दिन है। अजगैवीनाथ धाम से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम पैदल व वाहन से यात्रा करते हुए बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे।